Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and doing great. I am Ms. Bihar, your math teacher. So starting our day with the name of Almighty Allah. What's date today? So today date is 24th of December 2020. And what's day? Thursday. And which subject we will learn today? Maths. Okay students, so today we will not start any new topic, but we will do the review of previous topic, which is subtraction without and with borrow. Okay, now tell me, what is the meaning of subtraction? When we less, when we minus two number from other two numbers, that is called subtraction. And which sign we will use in this topic? Minus. Yes, whenever we do minus or whenever we subtract, so which sign you will use? Minus. Yes. And what is the meaning of borrow? Borrow ka meaning kya hai? Borrow ka matlab hai jab hame minus karna hai aur hamare paas upar wala number chhota hai dusre number se aur niche wala number bada hai, तो हम दूसरे वाले नंबर से बोरो कर लेते हैं, ठीक है, और अपना नंबर को बैलेंस करते हुए उससे माइनस कर देते हैं, ठीक है. ओके, नाउ मूव टू एग्जांपल. ओके, नाउ लुक हियर. आप लोगों की आसानी के लिए मैंने दो सेक्शंस बना दिए, जिसमें विदाउट बोरो का क्वेश्चन लिख दिया और विद बोरो का क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है. मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम विदाउट बोरो हम देखते हैं, तो अब देखें इसमें हम ईजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टू जो है सिक्स से छोटा है, लेस है, तो ये ईजीली हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है. किस तरह से हो जाएगा? बेसिक में तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिक्स जो है, कितनी लाइन्स डाली हमने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और सिक्स में से जब हमने टू लाइंस को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितनी लाइंस बची? वन. काउंट विद मी, वन टू थ्री एंड फोर. सो व्हाट्स द आंसर? फोर. ओके स्टूडेंट्स, बट बी वेरी केयरफुल कि ये अभी सिर्फ बेसिक का मैंने एग्जांपल समझाई है, इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब फर्दर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मेंटल मैथ्स करनी होगी. मतलब कि फौरन आप देखें सिक्स माइनस टू, ओ द आंसर इज़ फोर. आपको अपने ब्रेन से कैलकुलेट करना है, आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना. ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एट होम इन योर नोटबुक्स. ओके, नाउ मूव टू अनदर एग्जांपल व्हिच इज़ विद बोरो. ओके, नाउ लुक हियर, हियर इट इज़ रिटन 32 माइनस 14. अब इधर देखिए, हम हमेशा कहाँ स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम योर राइट साइड. अब हमने यहाँ से देखा कि 2 तो छोटा है, हम 2 को कैसे माइनस करें 4 से, तो इसलिए हम 3 से हम बोलेंगे कि हमें 1 दे दो, 3 हमें 1 दे देगा, तो 3 अब कितने रह गए? 2, ठीक है. 3 ने अपना एक नंबर 2 को दे दिया, तो ये क्या बन गया? ये तो 12 बन गया, ठीक है. और 3 ने इधर दिया, तो अब 3 खुद क्या बन गया? 3 2 हो गया. अब वो 3 नहीं रहा, अब वो 2 हो गया, ठीक है. और ये कौन सा नंबर बन गया? 12. जब हमने 12 में से 4 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 1. यस. अब 2 तो इस 1 से माइनस आराम से हो जाएगा, ठीक है. तो 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है. आंसर क्या आ गया? 18. आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब आप लोगों को आई होप कि कोई परेशानी ना हो, और घर में आप अपनी नोटबुक्स में जो है बहुत आराम से जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. और जो भी प्रॉब्लम हो, आप इस वीडियो को बार बार देख के, जो भी कंफ्यूजन हो इसको आप देख के
दूर कर सकते हैं. ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे.